Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're doing good. मैं ये स्टोर से वो स्टोर यहाँ वहाँ अरे भैया जी प्लीज 50 रुपए कम कर दो ना, मेरी बहन भी लेके गई। एक्सक्यूज मी, आपके पास कुछ 100-200 रुपए का है क्या? मारना ही ओके गाइस, आई एम बैक विथ अनदर चैलेंज वीडियो। और ये चैलेंज वीडियो होने वाला है विथ माई सिस्टर एंड हम बहुत ही धमाल मस्ती पागलबंदी करने वाले हैं बिकॉज हम ये चैलेंज शूट कर रहे हैं मॉल में जाकर। एंड आपको तो पता ही है पब्लिक प्लेसेस पे और मॉल में जाके कैमरा लेकर शूट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। और हम पूरे मॉल में भागम भाग करने वाले हैं, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और बस भागने ही वाले हैं। एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस चैलेंज। एंड यस, वन मोर थिंग, आई एम नॉट वेरी मच एक्टिव ऑन यूट्यूब एंड इंस्टा बिकॉज आई हैव गॉट बिजी शेड्यूल। और इन सबके बीच में अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है। आप सबको तो पता ही है दैट हाउ मच आई टेक केयर ऑफ my health, my skin and my hair, and I wanted to share one thing with you guys that currently I am using these two products to protect my hair, which is from Wow Skin Science. So one is coconut milk shampoo and one is coconut milk conditioner. And yes, when I say about maintaining a lifestyle, I believe in using natural products and ingredients, and Wow ke jitne bhi sare products are made up of natural ingredients and it has no paraben, silicone and mineral oils. और ये शैम्पू से मैंने अभी अपने हेयर वॉश किए और मेरे बाल बहुत ही सॉफ्ट और सिल्की हो चुके हैं। एंड इट हैज़ कोकोनट मिल्क जो बालों को अच्छी तरीके से नरिश करता है। एंड इट हैज़ टू पावरफुल DHT ब्लॉकर्स जो एक हेल्दी सा और एक सिल्की सा टेक्सचर देता है बालों को। एंड येस, इट हैज 97.20% ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, OMG, आई मीन वाओ, मतलब ये शैम्पू यूज करने के बाद ना मुझे कोकोनट बर्फी खाने का मन कर रहा है। So now after shampoo, I'll use this conditioner on my hair. So थोड़ा सा conditioner लेके इसे मैं बालों में apply कर लूंगा। ये conditioner rough and fizzy बालों को smooth करता है। It also has hydrolyzed keratin protein which helps to reduce hair fall and बालों को roots से strong करता है। And it has 93% of natural ingredients और इसे मैं अपने बालों में 10 से 15 मिनट रखूंगा and then I'll wash it off. अरे वाह, आफ्टर कंडीशनर आई कैन फील द रिजल्ट, एज इन मेरे बाल जो है काफी सॉफ्ट और नरिश फील हो रहे हैं मुझे। नाइस। एंड येस, वाओ के सभी प्रोडक्ट पे QR कोड होता है जिसे आप स्कैन करके प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी भी चेक कर सकते हो। और आप ये सारे प्रोडक्ट वाओ की ऐप से भी इजीली परचेस कर सकते हैं। एंड अगर आप ये सारे प्रोडक्ट buywow.in से परचेस कर रहे हो, देन यूज माई कोड RAJUNATKAT एंड गेट 30% डिस्काउंट ऑन ऑल आवर प्रोडक्ट्स एंड इट्स सूटेबल फॉर एवरीवन, मेड इन इंडिया। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट। कोकोनट बर्फी खाने का मन हो गया था बट कोकोनट बर्फी ना सही, मुझे कोकोनट चॉकलेट मिल चुकी है। सो चलिए इसे खा के चैलेंज की शुरुआत करते हैं। एंड विजय बाबा, बैना टूटो गई। ओके, तो हम मॉल पहुंच चुके हैं एंड अब मैं आपको बता दूंगी चैलेंज क्या है। चैलेंज है 1000 रुपीज चैलेंज। लाइक इसमें हमें क्या करना है, विद इन 1000 रुपीज हमें एक दूसरे के लिए क्लोथिंग परचेस करना है और एक बेहतरीन सा लुक क्रिएट करना है। ये चैलेंज आई थिंक 1000 रुपीज के साथ बहुत डिफिकल्ट होने वाला है बिकॉज अगर हम ये स्ट्रीट चैलेंज करते तो आई थिंक ये प्लस पॉइंट होता हमारे लिए बिकॉज हम वेंडर से बार्गेनिंग कर सकते हैं। मॉल में यू नो प्राइसेस आर फिक्स्ड एंड आपको तो पता ही है ये जो महिलाएं होती है बार्गेनिंग में, मतलब इन्होंने पता नहीं मतलब कहाँ से PhD किया आप लोगों ने, मतलब ये मेरी मॉम वहाँ पर क्या बोलूँ, मतलब इतना बार्गेनिंग कैसा करते हो तुम लोग। हम इतना भी बार्गेनिंग नहीं करते बट एटलीस्ट जो प्राइस है बस बस, मतलब इनको मतलब रोड पे बार्गेनिंग और मॉल में सेल आ तो जो ये चालू पर। मैं बहुत अभी बोल रहा हूँ यहाँ पे घर जाके जो पढ़ने वाले ना मेरे को, तो मैंने तो डिसाइड कर लिया कि इसके लिए क्या क्या लेना है। एंड आई थिंक मैं 60% एटलीस्ट मैं यू नो एक चैलेंज कंप्लीट कर पाऊंगा, बाकी इसका मुझे पता नहीं। ओके, तो पैसे दीजिए हमें। So, let's start. Here you go, Raj. ये रहे आपके 1000 रुपीज। ये रहे मेरे 1000 रुपीज, ये रहे इसके। यस, और यहाँ से हम शुरुआत करेंगे जंग ए 1000 रुपीज। नाउ वी हैव 1 आवर, 1000 रुपीज, 1 मॉल एंड 1 गोल to finish this challenge. All the best. All the best, Raj. Let's go. Move, 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 move. Sal, sal, sal. Okay, guys. So, हमारे चलना, जल्दी जल्दी चलना. Okay, तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ सोनू के लिए टी शर्ट परचेज करने के लिए। टी शर्ट के बाद मैं देखता हूँ कुछ
चप्पल अगर मुझे मिल जाते हैं स्लीपर्स या कुछ, तो उसके बाद मैं बोलूँगा। मैंने सोचा है कि उसके लिए मैं कुछ एक नाइट लुक क्रिएट करता हूँ, ताकि मेरा थोड़ा सस्ते में भी हो जाएगा यार। तो चश्मे के साथ चलना, मास्क के साथ चलना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, खुद तेरी। सो गाइज, हम लोग डिस्पर्स हो चुके हैं हमारे 1000 रुपीज़ लेकर। सो लेट्स सी मैं राज के लिए क्या लुक क्रिएट कर पाती हूँ, बिकॉज इट्स बिट डिफ़िकल्ट, बिकॉज राज को शॉर्ट्स पसंद नहीं आते, कुछ टी शर्ट्स पसंद नहीं आते, किसी का लुक पसंद नहीं आता। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू स्टाइल हिम अप। जाना किधर है भाई साहब? लेट्स सी, अगर मुझे यहाँ से सस्ता सा टी शर्ट या चप्पल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर सिर्फ मुझे ट्रैक पैंट ही ढूंढना है। और कभी कभी ना पब्लिक प्लेस पे कैमरा लेके शूट करने में बहुत ऑकवर्ड फील होता है, सब लोग देख रहे होते हैं, क्या करूँ यार। सो गाइज, मैं यहाँ पे बहुत सारे क्लोथ देख रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज आई एम थिंकिंग कि समर शुरू हो रहे हैं तो फ्लोरल एंड पेस्टल कलर्स ही पिक करने चाहिए। आई एम स्टिल कन्फ्यूज, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे ढेर सारे चप्पल दिख रहे हैं, सो लेट मी सी कितने का मिल रहा है मुझे ये। दिस इज़ फॉर 149 रुपीज़ एंड आई थिंक ये 7 नंबर से आ जाएगा। तो मैंने ये चप्पल ले लिया है विच इज़ फॉर 149 रुपीज़, इसका MRP है 199, बट देन आई गॉट इट फॉर 149, सेल चल रहा था। एंड मुझे एक सेक्शन दिखा जहाँ पे लेडीज़ के सारे यू नो टी शर्ट्स हैं, ट्रैक पैंट्स हैं, सो मैं वहाँ चेक कर रहा था एंड तीन चार वहाँ पर लेडीज़ आ गई, सो दे स्टार्टेड लुकिंग एट मी। सो मैं वहाँ से निकल आया, बहुत ही ऑकवर्ड हो रहा था मेरे लिए वहाँ खड़ा रहना, सो आई जस्ट लेफ्ट दैट प्लेस। बट देन मैं वापस जाऊँगा देखने के लिए, एंड बहुत कम प्राइस में मुझे मिल रहा है ट्रैक पैंट और टी शर्ट, बट साइज़ नहीं मिल रहा। सो मैं वापस जाके एक बार वापस चेक करता हूँ। यार दे आर स्टिल देयर, मुझे ट्रैक पैंट या टी शर्ट तो कुछ मिला नहीं, सो आई एम बाइंग दीज स्लीपर्स। आई एम रशिंग फ्रॉम वन स्टोर टू अनदर, जो बजट है उसमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, बिकॉज टॉप एंड बॉटम वेयर का स्टार्टिंग प्राइस क्या होता है, लाइक इट ऑलमोस्ट स्टार्ट फ्रॉम 1000। आई एम लूजिंग ऑन माई टाइम, थैंक यू सो मच। सो गाइज, मुझे अब जाके एक टी शर्ट मिल चुका है 399 का, और बाकी के पैसे है उसमें से मुझे अभी लोअर्स और कुछ अगर मिल रहा है तो एडजस्ट करना है। थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है बिकॉज लोअर्स यू नो 600-700 से स्टार्टिंग है, सो दैट विल गो आउट ऑफ बजट। चलो गाइज, 149 में चप्पल तो आ चुका है, अनफॉर्चुनेटली वो मेन स्लीपर है, बट एनीवेज कोई बात नहीं, चप्पल चप्पल ही होता है यार अभी। बाकी सारे 499 एंड 399 रहे, ये 499 रहे और वो ब्लैक वाला। मुझे बहुत ही कम प्राइस में एक ट्राउजर मिल रहा है, लेट्स सी साइज मिल रहा है कि नहीं। इसका क्या प्राइस है? आई कैन सी राज ओवर हियर। हाय बडी, व्हाट्स अप डूड, डू योर थिंग, ओके, डू नॉट डिस्टर्ब मी, जस्ट शट अप, ओके राज, हेल्प मी ना, I'm not getting anything. I think I'm winning this challenge because almost I got everything. Just few things here and there. So, jaiye, hariye challenge. Bye. Yes, yes, yes. I'm winning this challenge because मुझे slippers मिल गए, मुझे एक track pant मिल गया, t-shirt मिल गया, and there is an offer going on. मुझे offer में 200 रुपये discount मिल रहा है, so मेरा budget के अंदर ही सारा चीज़ें हो रही हैं। देखो, मैंने इतना सेविंग किया है कि मैंने बैग भी ले लिया है, उसका भी मैं 10-10 रुपये बचा है, एंड स्टिल लेफ्ट विद 600 रुपीज। मैं क्या क्या ले पाती हूँ इसमें? गाइज, मैं लोअर्स के लिए यहाँ से वहाँ भाग रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग इन माई बजट व्हाट आई वॉन्ट, सो मैं फिर से और एक स्टोर में आ गई हूँ। लेट्स सी इफ आई फाइंड इट हियर, इट विल बी ग्रेट, बिकॉज मैंने राज को देखा, वो काफ़ी सारी चीज़ें लेके यहाँ वहाँ भाग रहा था, पता नहीं और कितने पैसे उसके पास बचे हैं, लिए ही जा रहा है चीज़ें। आई थिंक ही इज विनिंग, बट मैं अभी हार नहीं मानने वाली हूँ बिकॉज मेरे पास अभी है थोड़े पैसे। ओके, सो चैलेंज कुछ ही देर में ख़त्म होने वाला है, 525 एक चीज़ लेनी है एंड देन आई एम डन।
ओके सो मैं नाइट लुक क्रिएट कर रहा हूँ तो उसके लिए एक आई मास्क तो ज़रूरी है ही है. सो आई गॉट दिस आई मास्क जो है 200 रुपीज़ का. मेरे पास और आई थिंक 40 to 50 रुपीज़ पड़े हुए हैं. नाइट लुक जो है क्रिएट हो चुका है एंड आई एम सॉर्टेड. और अभी बचे हैं 7 मिनट्स, 7 मिनट बचे हैं अभी भी. सो गाइस फाइनली मुझे टॉप और लोअर मिल चुका है. सो अब मैं बिलिंग कराने जा रही हूँ और फिर राज के पास जा रही हूँ बिकॉज राज कॉल कर रहा है एंड टाइम इज ऑल्सो अप, इज अबाउट टू ऑलमोस्ट एंड. सो लेट्स रन फास्ट. सो गाइस ये रहा हमारा आउटफिट. यार राज ने तो एकदम मस्त काम कर दिया. साइज भी परफेक्ट है, इतनी सारी चीजें वो भी 1000 रुपीज में. वो भी मॉल से शॉप करना, पैसे बचाना, वेल डन राज. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये कि राज ये कर लेगा बिकॉज राज ये सब मस्ती बात नहीं है. मेरे ऑटो की बात है, मेरी कार की बात है, बस की बात नहीं है. एंड यस भले ही तू हार गई हो लेकिन तूने जो भी मेरे लिए कपड़े लाए बहुत ही अच्छे लगे मुझे. एंड कलर कॉम्बिनेशन वाइज ट्रैक पैंट का जो फिटिंग है वो भी मेरा परफेक्ट है. टी शर्ट का भी फिटिंग परफेक्ट है, जैसे मैं पहनता हूँ वैसे ही है. और ये जो प्रिंट है टी शर्ट का वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा. सो यस ओवरऑल तुझे भी यू नो 10/10 में देता हूँ. चल अच्छा सिलेक्शन किया है कपड़ों का तूने. And yes, so that is it for today's video, guys. आज का चैलेंज यही खत्म होता है. So thank you so much for watching this video. And yes, if you guys want कि हम आपके लिए और भी ऐसे चैलेंजेस लेकर आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि हम आगे और कौन से चैलेंजेस करें. So thank you so much for watching this video. If you guys like this one, then please like, share, comment and subscribe to my channel. See you all in the next one. Till then, bye bye. Take care. Have fun with your family and friends. And quack 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 quack.